सबसे पहले एक चीज करो, अपने सपने किसको भी मत बताओ। सबसे पहले स्टेप है अपने दोस्तों को, माँ बाप को, किसको भी मत बताओ। माइक चल रहा है। हेलो हेलो हेलो। नहीं, मम्मी को भी मत बताओ। मैं बोलता हूँ, अपनी बात बता एक बार। मम्मी को भी मत बताओ। आपको मैं एक चीज बोलू, एक मिनट। हेलो, माइक क्लियर है ना? आपको मैं एक चीज बोलता हूँ, अभी यूट्यूब पे मेरे और इसके हम दोनों के भी ठीक ठाक सब्सक्राइबर थे, मतलब इतने लोग आए तो कुछ तो होंगे, मतलब लोग तो जान रहे हैं। आपको मैं एक चीज बोलता हूँ, मेरे रियल कजिन ब्रदर को भी पता नहीं है मैं क्या करता हूँ। और फिर मैं बोलता हूँ, अभी इंस्टा पे 100 के होने वाले, यूट्यूब पे 60-70 के आसपास कुछ है, बट यहाँ पे आज भी जब मैं फैमिली गेट टूगेदर्स में जाता हूँ ना, तो मेरे बुआ जी या फिर कोई फूफा जी या रिश्तेदार क्या बोलते, बेटा बेटा कब तक खाली बैठेगा, कुछ जॉब कर ले। तो अभी अभी लास्ट वीक की बात है, ऐसा ही फैमिली गेट टुगेदर चल रहा था, तो मेरे कजिन्स को तो जॉब वगैरह लग चुकी है, तो उनको है कुछ पैकेज है, जैसे मान लेते 8-10 लाख साल का। तो जब वो मेरे को कन्विंस कर रहे थे कि देख तू अभी जॉब कर ले, खाली बैठा है, ग्रेजुएशन हो चुका है, तो क्या अगर तू जॉब कर। अब मेरे को वो कन्विंस कर रहे थे कि तेरे को 25K पर मंथ की सैलरी लग जाएगी। तो मैं फिर मैंने बोला साल का कितना हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है 6-7 लाख साल का होगा। तो मैं मन में सोचा कि इससे ज्यादा मेरे को टैक्स लग रहा है यहाँ पे। तो मैंने बोला कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, बोलने दो। बट मैंने उनके सामने बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं किया कि आप तो इतना बोल रहे हो, मैं तो ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, क्योंकि जहां पे मैं पहुंचा हूं या फिर जहां पे भी हूं वो जीरो है, अभी वो 1% भी नहीं है जहां पे जाना है अपने को। तो बात यही है कि किसी को बोलो मत, कुछ भी होता है। अभी मैं एक चीज बोलता हूँ, अभी देखिए सिंपल चीज है कि मैंने तो अपने सारे रिलेटिव्स को ब्लॉक कर रखा है इंस्टाग्राम पे। अब उनको पता चलने का एक ही सोर्स है यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पे खास ढूंढ के ब्लॉक नहीं कर सकते किसी को, है ना? तो मान लेते कभी यूट्यूब पे उनको अगर रील वगैरह शॉर्ट कुछ दिख जाती है, तब मैं उनको बोलूंगा ठीक है भाई, नॉर्मल चीज है। तो अपने को, चाहे अपने क्लोज रिलेटिव्स हो, चाहे माँ बाप हो। अब एक और चीज बोलता हूँ, मेरे डैड को भी पता नहीं है मेरे चैनल का नाम क्या है। दूसरी बात, मेरे मॉम को भी पता नहीं है एग्जैक्टली, उनको पता है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ और प्लस चैनल है वो अभी अभी पता चला है। बट काम ये जो चीज है ये चालू हुई थी 2018 में, तो मैं दरवाजा लगा के अपने रूम में बैठा करता था और थोड़ी देर में 2-3 घंटे में मैं बाहर आ जाता था। तो तब से लेके आज तक उनको धीरे धीरे, तो अब घर में रह रहे तो आइडिया लग ही जाता है, बट एग्जैक्टली कितनी अर्निंग है, चैनल का नाम क्या है, कितने फॉलोअर्स है, कितना टैक्स लग रहा है, सब टेंशन अकेले लेता हूँ। लॉस होता है वो भी टेंशन अकेला, प्रॉफिट हो रहा है वो खुशी भी अपने तक। क्योंकि यहाँ पे एक चीज है कि सपने इतने बड़े रखो कि अपने को ये छोटी मोटी जो अचीवमेंट्स है ना, जैसे 100 के हो गए या चलो बहुत टैक्स भर लिया, इस साल बहुत इनकम हो गई, तो ये छोटे मोटे सपनों में खुश हो जाओगे तो वो बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। तो सिंपल है, किसी को भी मत बोलो। कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, किसी को भी मत बोलो। अब भाई सर को भी पता नहीं है मैं अभी क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट। एक और चीज, और ना ही अभय सर भी बताया मेरे को उनके नेक्स्ट प्लान्स। हम लोग साथ में, हम लोग LKG से साथ में, LKG मतलब जो फर्स्ट स्कूल होती है ना नर्सरी, तब से लेके आज तक साथ में, सेम कोर्स, सेम कॉलेज, सेम फील्ड, सेम सब कुछ सेम है। बट फिर भी हम लोग भी ना होने के बाद चीजें बताते हैं कि भाई अभी ये ले लिया या फिर ये हो गया ऐसा वैसा। तो बात किसी को बताओ मत, काम करते रहो, सो दैट आपको किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेरा इस साल का टारगेट है, मैं मान लेते हैं 1 करोड़, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मेरे को तो दोस्त आके हर दो दिन में पूछेगा ना, क्या हुआ भाई तेरा हो गया क्या 1 करोड़, और मान लेते नहीं हो गया, मान लेते 80 लाख हो गया, तो वो तो बोलेगा अरे ये तो 1 करोड़ बोल रहा था, ये तो 80 लाख हो गया, या फिर कहा है भाई तेरी फॉर्च्यूनर तो दिखी नहीं रही हमको। दिखेगी भाई। तो बात यह है कि जब दिखना होगा, जब दिख जाएगा। आप लोग किसी को ड्रीम्स बोलो मत, शांति से काम करते रहो और आप जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। सिंपल कंक्लूजन ये है। थैंक यू सो मच।